नमस्कार, पंजाब के सी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, HPCA क्रिकेट स्टेडियम से लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। और क्योंकि बात करेंगे IPL मैच को लेकर के, तो देखिए 9 तारीख से मैच जो है वो ख़त्म हो गए हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में दो मैच जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे और दोनों मैच जो है वो गुजरात, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ, यानी कि RCB के साथ यहाँ पर हुए हैं। और ये स्टेडियम आप देख पा रहे हैं मैच ख़त्म होने के बाद की क्या स्थिति है वो भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर जो है वो मुकाबले जो देखने को मिले हैं, और उन दो मुकाबलों की अगर हम बात करें तो ज़रूर जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसकी टीम जो है पंजाब की किंग 11 जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर हुए मैचों की बात करें तो लाजवाब मैच यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑडियंस की बात करें तो भरपूर प्यार जो है वो ऑडियंस का भी जो कैरेक्टर है उन्हें मिले हैं। और हालांकि बात करें हम स्थानीय लोगों की, तो जो ये मैच हुए हैं उनको काफ़ी जो है वो मिली सहयोग जो है वो इससे मिला है, क्योंकि आर्थिकी उनकी सुदृढ़ हुई है इससे। क्योंकि देखिए जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उससे यहाँ के जो होटल इंडस्ट्री की बात करें या ढाबा रेस्टोरेंट की बात करें तो सभी को यहाँ पर जब ही ये इवेंट होते हैं तो राहत होती है। ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो उन्हें भी जो है वो फ़ायदा रहता है। अब ऐसे में देखिए दो मुकाबले यहाँ पर हुए हैं और दो मुकाबलों के बाद अब सूना ये HPCA का क्रिकेट स्टेडियम लग रहा है। जी हाँ, ये सूनापन सिर्फ आज ही आपको देखने को मिलेगा। कल से यानी कि रविवार से सुबह 9 से 5 बजे तक जो विजिटर हैं, जो सैलानी हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए HPCA के जो गेट है वो खुल जाएंगे। तो कल 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो विजिटर हैं यहाँ पर आकर के इन खूबसूरत धौलाधार की पहाड़ियों में बना ये खूबसूरत, विश्व का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम यहाँ के जो है वो निहार सकता है, उसे देख सकता है। फिलहाल अभी हम पहाड़ियों की तरफ अगर कैमरा घुमाएं तो देखिए बादल छाए हुए हैं, मौसम ख़राब हो रहा है। लेकिन बात करें कल की, तो कल से यहाँ पर जो पर्यटक है वो आपको देखने को मिलेंगे, विजिटर आपको देखने को मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल क्योंकि मैच ख़त्म हुए हैं तो थोड़ी सी जो साफ़ सफाई है ग्राउंड की वो चल रही है। जिन कुर्सियों पर देख सकते हैं यहाँ पर जो दर्शक बैठे थे वहाँ की साफ़ सफाई हो रही है। और क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला का ये क्रिकेट स्टेडियम है और इसी की सुंदरता को जो निहारने के लिए कल से विजिटर यहाँ पर मौजूद होंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें और यही वो ग्राउंड है, यही मैदान है जहाँ पर 9 तारीख को RCB और पंजाब के बीच मुकाबला देखने को मिला था। ये लाइव तस्वीरें आप सीधा धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम से देख पा रहे हैं। फिलहाल अगर हम विजिटर की बात करें तो देखिए जब से मैच ख़त्म हुए हैं उसके अगले दिन से ही जो विजिटर है, जो सैलानी है, यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। क्योंकि और लेकिन ग्राउंड जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई फ़िलहाल यहाँ की हो रही है, इस ग्राउंड को फिर से चमकाया जा रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये गेट जो है वो बंद किए गए थे। अब पूरी साफ़ सफाई जो है वो यहाँ की हो रही है, तो अब ऐसे में कल से गेट जो है वो खुल जाएंगे और जितने भी विजिटर यहाँ पर आएंगे इस खूबसूरत स्टेडियम को जो है वो देख पाएंगे। क्योंकि विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है और ऐसे में विजिटर जब भी धर्मशाला आते हैं यहाँ पर भी ज़रूर जो है वो पहुँचते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं यही वो मैदान है जहाँ पर प्लेयर जो है वो खेल रहे थे और दर्शक यहाँ पर इन कुर्सियों पर बैठकर स्टैंड पर बैठकर जो है वो मैच का आनंद ले पा रहे थे। ये लाइव तस्वीरें जिस तरह से मौसम भी देखिए करवट बदल रहा था, हालांकि 5 मई को भी मौसम ख़राब था, फिर भी मैच जो है वो
अच्छा संपन्न हुआ उसके बाद बात करेंगे 9 तारीख की। तो देखिए मैच के दौरान ज़रूर 5-10 मिनट के लिए मैच रुका था, ओलावृष्टि भी यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद मैच जो है वो कंटिन्यू किया गया था और सफलतापूर्वक मैच जो है वो दोनों यहाँ पर हुए हैं। तो जिस तरह से डर मौसम को लेकर के हो रहा था, कहीं ना कहीं सफल आयोजन जो है इन दो मैचों का हुआ है और आने वाले समय में जो है वो और भी यहाँ पर मैच हो, ऐसा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। क्योंकि देखिए सबसे खूबसूरत और बड़ी बात इस स्टेडियम की ये है कि एक तो ये ग्राउंड आप देख रहे हैं और इसके सीधे अगर हम कैमरा घुमाएं तो यहाँ से सफ़ेद चांदी जैसे चमकती पहाड़ियाँ जो है वो दिखती है ये सबसे बड़ी यहाँ का एक नज़ारा, खूबसूरत तस्वीर यहाँ से देखने को मिलती है। दूसरी, जब भी प्लेयर इस ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो ये साथ में ही आपको ये स्टैंड दिख रहे हैं, तो यहाँ से जो देखने का नज़ारा अपने पसंदीदा जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे होते हैं उनको खेलते हुए देखने का नज़ारा ही कुछ अलग जो है वो रहता है। यही वजह है कि इस स्टेडियम को विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम जो है वो कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी यहाँ पर मैच खेले गए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच है, वर्ल्ड कप की बात कर ले, फिर आईपीएल की बात कर ले, तो सभी आयोजन यहाँ पर सफलतापूर्वक किए गए हैं। और अगर हम बात करें एचपीसीए के जो पदाधिकारी है उनकी, तो उन्होंने भी पूरी जो मेहनत है वो की है और वही वजह है कि यहाँ पर जो भी दर्शक यहाँ पर आए या यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर आए उनका जो है वो वेलकम कह लीजिए, चाहे सुविधाओं की बात कर लीजिए, तमाम सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाई गई। वहीं इसी के साथ अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो देखिए धर्मशाला एक अगर हम बात करें विश्व पटल की, तो उस पर उसका नाम जो है वो अंकित है। और ऐसे में जो भी प्लेयर बाहर से इधर आए हैं, अगर हम बात करें आरसीबी की या बात करें हम पंजाब किंग 11 की, तो यहाँ पर देखिए ज़रूर यहाँ के जो प्राकृतिक स्रोत है उनकी बात कर ले, उनका नज़ारा जो है वो ले रहे हैं, घूमने का मज़ा जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिया है। और यही वजह है कि जब भी यहाँ पर टीमें खेलने के लिए आती है तो वो प्रैक्टिस और यहाँ खेलने से पहले ज़रूर धर्मशाला की जो ब्यूटी है उसे निहारने जो है वो ज़रूर जाते हैं। अब ऐसे में ये देख सकते हैं यहाँ से सीधी पहाड़ियाँ जो है वो दिखती है। फिलहाल पहाड़ों पर इस वक्त बादल जो है वो छाए हुए हैं, यही वजह है कि यहाँ से ये पहाड़ियाँ जो है वो नहीं दिख पा रही है। तो इसी के साथ, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर विजिटर्स जो है वो आकर के इस खूबसूरत स्टेडियम को जो मैच देखने नहीं पहुँच पाए, वो अब जो है कल से इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। और सुबह 9 से 5 बजे तक गेट जो है वो खुलेंगे और यहाँ पर विजिटर जो है वो इस खूबसूरत स्टेडियम को अपने कैमरे में जो है ज़रूर कैद कर सकते हैं। फिलहाल गेट को बंद कर दिया गया था, देखिए 2 मई से गेट को जो है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैच जो है वो होना था 3 तारीख से टीमें जो है वो यहाँ पहुँचने शुरू हो गई थी। और ऐसे में मैच से पहले जो है एचपीसीए द्वारा इस क्रिकेट स्टेडियम के जो गेट है विजिटर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो किया जा रहा होता है, इसकी वजह से ताकि बाहर से कोई विजिटर यहाँ पर ना आए, क्योंकि व्यवस्थाएँ जो है वो चालू की जाती है। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद अब फिर से गेट जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे ताकि जो विजिटर है वो यहाँ पर आकर के इस खूबसूरत स्टेडियम को निहार सके।
हालांकि स्टेडियम में साफ़ सफाई का कार्य जो है वो चल रहा है और सफाई कर्मचारियों द्वारा यहाँ की सफाई जो है वो की जा रही है, लेकिन संभावित है कि कल तक स्टेडियम को पूरी तरह से चमका दिया जाएगा और विजिटर यहाँ पर आकर के स्टैंड में बैठ के इसकी खूबसूरती को जो है वो निहार सकते हैं। अगर हम विज़िटर की बात करें तो देखिए कल से ही यहाँ पर आने जो है वो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि अभी मैच 9 तारीख को यहाँ पर हुआ है और साफ सफाई का जो कार्य है वो किया जा रहा है, अब ऐसे में क्योंकि पिछले कल से ही जो विज़िटर हैं यहाँ आने शुरू हुए हैं तो उन्हें अंदर आने की अभी अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तक यहाँ की जो सामान है वो उठाया जा रहा है और साफ़ सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यही वजह है कि कल से जो है, कल रविवार है और रविवार से विजिटर के लिए ये गेट जो है वो HPCA के खुल जाएंगे। तो चलिए दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, ले किसी और लाइव में, बने रहे पंजाब की सिटी वी के साथ। धन्यवाद।